तो अब इतने हो जाएंगे कि कोई हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता, कोई हमें बेबस नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने ये शान दिखाई कि जिस जगह को, जिस इलाके को वो ये समझ रहे थे इसकी वजह से हम इतनी सीटें ले आएंगे, उसी जगह उनको रुसवा कर दिया है, उसी जगह उनको रुसवा कर दिया। दुनिया वाले कह रहे कि भाई जिस जगह को तुम दुनिया के सामने पेश कर रहे थे कि हमने यहाँ ये काम कर दिया, मंदिर बना दिया, अब तो हम 400 पार हो जाएंगे, अल्लाह ने कहा हम तुम्हें वहीं हरा के दिखाएंगे, शिकस्त का सामना करवा के दिखाएंगे। मुतकब्बिर है वो, बस किबरियाई, बड़ाई बस उसी को जचती है, उसी के शाया निशान है। बाकी जो ज़बान पे लाएगा, अपने किरदार से जाहिर करेगा, अल्लाह हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि दुनिया वालों के सामने ये हकीकत खुल के आ जाएगी, वाकई शान उसी की है। वहीम आज के दर्स का आगाज़ हम अल्लाह के फ़ज़्ल करम से सूरतुल हश्र की आयत नंबर 21 से कर रहे हैं। पिछला जो दर्स हुआ था उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। जन्नत वाले वो कामयाब लोग हैं, और वो किस तरह कामयाब हैं तो फरमाया कि जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाने वाली जो किताब है वो कुरान करीम। इस कुरान करीम को पढ़ें और इससे सबक और इबरत हासिल करें, इसके अवामिर पर जिन चीज़ों का इसने हुक्म दिया है उन पर अमल करें तो ये जन्नत तक पहुंचा देती है। और इंसान जब इसको पढ़ेगा तो इससे मुतासिर होगा, इस कुरान के अंदर ये तासीर है। फरमाया लो अनजलना हादल कुरान अला जबल लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते अल्लाह के डर, अल्लाह की हैबत और खशियत से झुका हुआ रेजा रेजा। कुरान के अंदर अल्लाह ने यह तासीर रखी है कि मज़बूत पहाड़ों पर उतारा जाता, चट्टानों पर उतारा जाता, और अल्लाह उन्हें इंसान की तरह समझने की, सोचने की सलाहियत देता तो मज़बूत चट्टानें भी इससे मुतासर हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान की संग दिली का शिकवा किया है कि इंसान ऐसा संग दिल है, सख्त दिल है कि उसके सामने ऐसा कलाम है उसके लिए उतारा गया है लेकिन वो उसको पढ़कर उससे मुतासिर नहीं होता है और उससे अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलता है। वतिल्कल अम्थालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, ये मिसालें हैं अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह ताला ने यहाँ पहाड़ की मिसाल बयान फरमाई, ऊपर शैतान की मिसाल बयान की है, उससे पहले यहूदी और मुनाफिकों को समझाने के लिए, उनके बारे में बतलाने के लिए मिसालें बयान की है। ये हम मिसालें बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि लोग गौर व फ़िक्र करें, समझें। हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, ये जो तीन आयतें हैं अब इस सूरत की आखिर की, इन सूरतों में अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह ताला के नाम बयान किए गए हैं, और तकरीबन 15 नाम इन तीनों आयतों में एक ही जगह पे आए। अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम हैं उनकी बड़ी फजीलत आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन लिल्लाह 99 इस्मन 100 इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्ना, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो उनका इहाता करेगा, उनको शुमार करेगा, उनको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये जो अल्लाह ताला के नाम हैं इनके बड़े असरात,
बेहतरीन नताइज। इंसान उसका माना मतलब सामने रख कर समझ कर उसको पढ़ेगा, उसका विर्द रखेगा, उसका वजीफ़ा पढ़ेगा तो उसके बहुत सारे फ़ायदे। इन नामों की वजह से इंसान के अंदर मजबूती आती है, कुव्वत आती है, यकीन बढ़ता है। जितने भी शर हैं, चाहे शैतान का शर हो और शैतानी ताकतों का शर हो, इंसानों का शर हो, उनसे मुदाफात, उनका मुकाबला करने में इंसान को कुव्वत हासिल होती है। बीमारियों से लड़ने में इंसान के अंदर मजबूती आती है और फंसे हुए इंसान के काम बन जाते हैं, संवर जाते हैं। ये अल्लाह के जो सिफाती नाम हैं उनके अंदर तासीर है। ये जो तीन आयतें हैं इनके बारे में तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी सूरतुल हश्र की आखिरी तीन आयतों को सुबह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके साथ 70,000 फरिश्ते लगा देते हैं, तो उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह उस पर दुरूद भेजे यानी रहमत भेजे। और अगर इस दौरान उसकी मौत हो जाती है तो शहादत का मर्तबा पाता है। फिर अगर शाम को अगर वो इन तीन आयतों को पढ़ता है तो फिर उसके साथ यही मामला होता है और यही रुतबा और यही मंजिलत वो पाता है। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह का जो नाम है अल्लाह सबसे पहले यहाँ बयान हुआ है और ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, इसको इस्मे आलम कहते। बाकी सिफाती नाम है, अल्लाह के अंदर जो सिफत हैं, जो खूबियाँ हैं, वो उस पर वो नाम रखे गए हैं, लेकिन अल्लाह का जो ज़ाती नाम है वो अल्लाह है। जैसे किसी आदमी का नाम है तो एक तो ज़ाती उसका नाम होता है, फिर उसके अंदर जो खूबियाँ पाई जाती है उस पर लोग नाम रख लेते हैं। हज किया तो हाजी कह देते हैं, हिफ्ज़ किया तो हाफिज़ कह देते हैं, इसी तरह वो सखी है, सखावत करता है तो सखी या जव्वाद या फयाज़ कह देते हैं। ये सिफाती नाम है। तो अल्लाह का जो ज़ाती नाम है वो अल्लाह है और ये इसी को इसमें आज़म कहा गया। इसमें आज़म कि जिसकी वजह से अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है वो इसमें आज़म ये अल्लाह ही है, यही कलिमा है, यही नाम है। और ये वो अल्लाह का नाम है जो कायनात की रूह है, कायनात की जान है। जब तक इस कायनात में कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा तब तक ये कायनात बाकी रहेगी, और जिस वक्त कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा तो गोया उसकी रूह ख़त्म हो गई, जान ख़त्म हो गई, तो कायनात भी ख़त्म कर दी जाएगी और दुनिया की जो बिसात है ये लपेट दी जाएगी। तो हुवल्लाह, वो अल्लाह है, अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। और अल्लाह का ऐसा नाम है अरबी के अलावा किसी और ज़बान में ऐसा नाम अल्लाह का इतना असर वाला, इतना फ़ायदे वाला और इतना बामाना नहीं। उलमा ने लिखा कि अल्लाह पूरा ये सारे अल्फाज, सारे कलमात इसमें आ गए, इसका आगे से पीछे से कुछ भी अगर एक हर्फ हटा दो ना तब भी माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अलीफ अलीफ हटा दो अल्लाह से तो लिल्लाह बनता है, अल्लाह के लिए। लाम हटा दो तो लहू बनता है, उसी के लिए। फिर लाम हटा दो तो हु बनता है, हु यानी वही, बस वही, उसके अलावा कोई नहीं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में अल्लाह वाले गुजरे हैं, पंजाबी में उन्होंने अशार कहे हैं, जितने भी अशार कहे हैं ना उसके अखीर में हु आता है, हु। ला फत्ताह इल्लाहु, ला फत्ताह इल्लाहु, ला गालिब इल्लाहु, और पंजाबी में उन्होंने अशार कहे तो उनमें आखिर में हु आता है। इसलिए पहले बुज़ुर्ग जो है ना वो जिक्र करते थे ना तो हु का जिक्र करते थे, जो मुल्तान के उन बुज़ुर्गों से जो वाबस्ता थे, जुड़े हुए थे, वो हु का जिक्र करते थे। आज भी गांव देहातों में जाएं तो बहुत सारे लोग बूढ़े जो हैं जिक्र करते हैं हु का, नमाजों के बाद हु का जिक्र करते हैं। तो हु का मतलब वही। तो ये अल्लाह का ऐसा नाम है कि इसका एक एक हर्फ आप हटाते जाएं ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आलिमुल गैबी व शहादा, वो छुपी हुई चीज़ों का भी जानने वाला है,
और ज़ाहिरी चीज़ों का भी जानने वाला है। दुनिया का कोई भी इंसान कितना बड़ा इल्म वाला हो, कितनी बड़ी जानकारी रखने वाला हो, वो अपनी निगाहों के सामने जो चीज़ें हैं बस उनको जान सकता है, या जो इल्म के ज़राए हैं, इल्म के हासिल करने के जो असबाब हैं उनके ज़रिए से हासिल कर सकता है। जैसे आँख भी इल्म हासिल करने का ज़रिया है, कुछ चीज़ें इंसान देखकर हासिल करता है, कुछ चीज़ें सुन के हासिल करता है, कुछ चीज़ों के बारे में इल्म और जानकारी सूंघकर इंसान हासिल करता है, कुछ चीज़ों के बारे में इल्म और जानकारी इंसान टटोल कर हासिल करता है, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ज़बान के ज़ायक़े से महसूस करता है। ये इल्म के जानकारी के ज़राए हैं, तो इंसान इन ज़रियों से इल्म हासिल करता है, और अल्लाह की ज़ात वो है जिसको इन ज़रियों की कोई मोहताजगी नहीं है, कोई हाजत नहीं है, बग़ैर ज़राए के बग़ैर असबाब के उसका इल्म है और वो इन ज़राए का मोहताज नहीं है। फिर ये जो कहा है ग़ैब का जानने वाला, छुपी हुई चीज़ों का, वो हम इंसानों के एतबार से कहा है। अल्लाह की निगाह में कोई चीज़ गैब नहीं है। ला याज़ुबु अन्हु मिथक़ालु ज़र्रतिन फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्ज़, उसकी ज़ात से ज़मीन और आसमान में कोई ज़र्रा पोशीदा नहीं है। बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मामूली से मामूली और अजीम से अजीम चीज़, ज़र्रे से लेकर पहाड़ तक, कतरे से लेकर समंदर तक, और चींटी से लेकर हाथी तक, कोई भी चीज़ उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। इंसानों के एतबार से आलिमुल गैब कहा गया है। आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। दो नाम अल्लाह ताला के एक साथ साथ आए, बिस्मिल्लाह में भी ये आए। रहमान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, उसकी अगर रहमत ना हो तो कोई मखलूक दुनिया में रह न सके, और अगर वो अपनी रहमत की चादर हटा ले, छीन ले, तो कोई जालिम, कोई गुनहगार इस दुनिया में रह न सके। उसकी रहमत है कि वो सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है, सबको पाल रहा है, सबका पालनहार है। वो रहमान है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, अपनों पर भी रहम कर रहा है और गैरों पर भी रहम कर रहा है, फरमा बरदारों को भी नवाज रहा है, नाफरमानों को भी महरूम नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी शान रहमत है कि वो नाफरमानों को बहुत ज़्यादा दे रहा है, फरमा बरदारों को मामूली चीज़ों पर राज़ी कर रहा है, खुश कर रहा है, फिरौन को महल्लात दे रहा है, मूसा को तुर्शी की ज़िंदगी पर राज़ी रखे हुए है ना। तो ये उसकी रहमत की झलके हैं, वो रहमान है और रहीम है। कहते रहमान इस दुनिया के एतबार से है, सबको दे रहा है, सब पर रहमत है, लेकिन अर्रहीम सिर्फ ईमान वालों पर उसकी रहमत होगी। क़यामत के दिन उसकी सिफत रहमत झलकेगी, वहाँ पर यह होगा कि जो फरमाबरदारी करके आएगा, नेकियाँ लेके आएगा, इताद गुजारी की ज़िंदगी बसर करके आएगा, तो उसकी खसूसी रहमतें होंगी। तो आखिरत के एतबार से तो वह रहीम है, दुनिया के एतबार से वह रहमान है, क्योंकि उसने सबको पैदा किया है तो सब पर रहमत करेगा, सबको नवाजेगा, सबको रोज़ी पहुँचाएगा। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। वो अल मलिक है, अल मलिक असल बादशाह, हकीकी बादशाह वही है, उसकी बादशाहत हकीकी, बाकी जितनी भी बादशाहत हैं वो नकली हैं, उसकी बादशाहत असली है, बाकी लोगों की बादशाहतें नकली हैं, उसकी बादशाहत अबदी है, हमेशा है, अजल से है, अबद तक रहेगी। दूसरी जितनी भी बादशाहतें हैं वो आर्जी हैं, वो फ़ानी हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं, उसकी बादशाहत उसकी ज़ात की तरह लामहदूद है। किसी की बादशाहत छोटे से इलाके पर है, किसी की बादशाहत उससे बड़े इलाके पर है। दुनिया के अंदर जो भी बादशाह हैं, मलिक हैं, वो किसी ख़ास खित्ते के बादशाह हैं, वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, और एक उनकी सल्तनत की, उनकी बादशाहत की हद है। एक सरहद के अंदर उनकी बात चलती है, उस सरहद से बाहर उनकी बादशाहत नहीं चलती है। दुनिया के बादशाहों का ये हाल है, और सबकी आर्जी है, आए चले गए, हुकूमतें की, उसके बाद उन हुकूमतों से महरूम हो गए। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए हैं, सबकी हुकूमतें ख़त्म हो गई क्योंकि फ़ानी थी। सिकंदर आया,
कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फ़ातह सिकंदर था, लेकिन जब इस दुनिया से जा रहा था मरने से पहले वसीयत की, मेरे हाथ को यूँ खाली रख देना दुनिया वालों को पता चले कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा हूँ। बादशाहत ख़त्म, सब चीज़ें ख़त्म, दौलत यहीं रह गई, ख़जाने यहीं रह गई, और फिरौन की हुकूमत खाक में मिल गई, ईरानियों की हुकूमत, रूमियों की हुकूमत, बड़े बड़े डिक्टेटर आए, जालिम आए, समझते थे कि हमारी हुकूमतों को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, लेकिन सब की हुकूमतें ख़त्म हो गई और ऐसे आजिज़ और बेबस बादशाह मसूलिनी, बड़ा हिटलर था, बड़ा हिटलर था, लेकिन जब उसकी बादशाहत के जवाल का वक्त आया ना तो लोगों ने घसीट घसीट के मारा और लाश को कुएं में डाल दिया। लेकिन जब तक ज़िंदा था कोई आँख उठा के नहीं देख सकता था, इतना डिक्टेटर था, जालिम और जाबिर था। उसके अलावा भी दुनिया में ऐसे आए हैं। तो अल मलिक, असल मालिक हुकूमत का, बादशाह का वो अल्लाह है, उसकी हुकूमत की कोई इंतहा नहीं है, उसकी हुकूमत ताकतवर है, पावरफुल है। दुनिया के जो बादशाह हैं उनको हुकूमतें आर्जी मिली हुई है, जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक रखेगा, और जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होंगे मजबूत से मजबूत हुकूमतों की चूलें हिला दी जाएगी और बड़े से बड़े पावरफुल हुक्मरानों को कुर्सी से, इख्तदार से, ओहदे और मनसब से हटा दिया जाएगा। तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़ुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो वह अल मलिक है, हकीकी बादशाह वो है। अल कुद्दूस, वो पाकीज़ा है, हर आयब से पाक है, जुल्म से पाक है, नींद से पाक है, शिर्क से पाक है, नाइंसाफ़ी से पाक है, जानिबदारी से पाक है, जितनी भी आयब की चीज़ें हैं, नक्स की चीज़ें हैं, कमी की चीज़ें हैं, अल्लाह की ज़ात उनसे पाक है। और वो अल्लाह अपनी इस सिफत का कुछ असर अपने बंदों में भी डाल देता है, बाज़ अपने बंदों को इतना पाकीज़ा बना देता है सीरत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, कि लोग उनको देख के ये कहते हैं कि जब ये बंदा इतना पाकीज़ा है, बेहतरीन अखलाक वाला है, अखलाक को पैदा करने वाला अल्लाह कितना पाकीज़ा होगा। अस्सलाम, वो सलामती देने वाला है, वो सलामती देने वाला है, हिफाजत करने वाला है। उसकी तरफ से जब सलामती के फ़ैसले होते हैं तो जो हलाकत के असबाब हैं, तबाही के असबाब हैं, बर्बादी के असबाब हैं, उसमें वो हिफाजत पैदा कर देता है। और जब उसकी तरफ से सलामती के फ़ैसले हटा लिए जाते हैं तो जिन चीज़ों को इंसान हिफाजत का ज़रिया समझता है, सबब समझता है, उसमें तबाही पैदा हो जाती। खाना इंसान की ज़िंदगी का सबब है, इंसान को उससे एनर्जी मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। पानी है जिनके ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी कायम है, हयात कायम है। अल्लाह की तरफ से जब सलामती के फ़ैसले हटा दिए जाते हैं, पानी पीता है और घूंट गले में फंस जाता है, खाना खाता है, लुकमा फंस जाता है, और वो तबाही और बर्बादी का सबब बन जाता है। जो तबाही और बर्बादी के असबाब हैं ना, उनमें वो सलामती हिफाजत के असबाब पैदा कर देता है, और जहाँ तबाही और बर्बादी दिख रही होती है उसकी सलामती के फ़ैसले होते हैं तो इंसान महफूज हो जाता है। खारजी बागी लोग थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह हलीम के ज़माने में, तो खारजियों ने बहुत सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को टारगेट किलिंग बनाने का निशाना, मंसूबा बनाया कि इनको कत्ल करना है। तो कई लोगों को ये दिया गया मंसूबा, उनके हवाले ये काम किया गया, ये मुहिम दी गई। तो एक खारजी था, उसने हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हों को कत्ल करना चाहा। उसके ज़िम्मे ये डाला था कि तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है कि अमर बिन आस को कत्ल करो। कैसे कत्ल किया जाए? तो ऐसे टारगेट किलिंग करने वाले जो होते हैं वो पहले रेकी करते हैं, एक इंसान के बारे में सब मालूम करते हैं, इसका मामूल क्या है, रूटीन क्या है, दिन में कहाँ जाता है, कहाँ आता है, रात का क्या मामूल है। आज की ज़बान में रेकी कहते हैं, रेकी करना है। तो उसने पूरी रेकी की और पूरी मालूमात हासिल की, तो उसके इल्म में ये बात आई कि अमर बिन आस फजर की नमाज के लिए बहुत जल्दी सुबह सवेरे निकलते हैं और एक बिल्कुल सही टाइम पे निकलते हैं। रोज़ाना निकलने का एक ही टाइम है और रास्ता भी एक ही, लिहाजा उस वक्त अगर उन पर घात लगाकर हमला किया जाए तो आसानी से उनका काम तमाम किया जा सकता है। तो एक दिन आया, सुबह सवेरे आया,
اتفاق کی بات یہ کہ اس رات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسہال ہو گیا، پیٹ کی بیماری لگ گئی، دست لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ صبح کو فجر کی نماز کے لیے نہیں نکل سکے، اور ان کی جگہ اس وقت ان کا غلام جس کا نام خارجہ تھا وہ نکلا۔ اندھیرا تھا، آج کل کی لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، اس خارجی نے یہ سمجھا کہ عمر بن عاص نکلے ہیں، وہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے حملہ کر دیا، غلام کو قتل کر دیا گیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد جب پتہ چلا، تحقیق کی گئی کہ کس نے حملہ کیا، کہ خارجیوں نے حملہ کیا، اس خارجی تک جب یہ خبر پہنچی کہ وہ عمر بن عاص نہیں تھا، عمر بن عاص نہیں تھے، وہ تو ان کا غلام تھا جو میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اردت عمر بن العاص ولیکن قتلت خارجہ، ولیکن اللہ اراد خارجہ، میں نے تو عمر بن عاص کو قتل کرنا چاہتا، میرے منصوبے بھی، میری پلاننگ میں تو یہ تھا، لیکن اللہ کی پلاننگ میں یہ نہیں تھا، اور اللہ کی پلاننگ غالب آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سلامتی دے دیتا ہے، کیا اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ محفوظ کر دیتا ہے انسان کو۔ تو السلام ہے وہ سلامتی دینے والا ہے، سب کو اس نے سلامتی دے رکھی ہے، المؤمن امن دینے والا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ کر رکھا ہے تو ہمیں راحت ملی ہوئی ہے، سکون ملا ہوا، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کائنات میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اللہ کی طرف سے امن کے، چین کے فیصلے نہ ہونا تو وہ چیزیں ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیں، جہنم بنا دیں، اس زمین کے اندر ایسی ایسی ہلاکت خیز، خطرناک، زہریلی گیس موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے امن کے فیصلے نہ ہونا وہ ہماری زندگیوں کو بے چین کر دے۔ اسی طرح ہوا کی طاقت ہے، پانی کی طاقت ہے، زلزلے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ ہمیں امن میں رکھے ہوئے ہیں۔ بعض مرتبہ تیز و تند آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے، بعض مرتبہ بہت زیادہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، گاڑیوں کو اٹھا کے رکھ دیا، گاؤں دیہاتوں میں پلنگ تھے ان کو اٹھا کے بجلی کے تاروں پہ لٹا دیا۔ روز اس طرح اگر ہوا چلنے لگے تو ہماری زندگی میں امن کیسے رہے گا؟ تو امن دینے والی ذات وہ ہے، المہیمن۔ مہیمن، ہائمانہ عربی ہے، عربی میں اس کے معنی آتے ہیں کہ پرندے کا یا مرغی کا اپنے چوزوں پر یوں پر پھیلا دینا، وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ تو مہیمن کا مطلب نگہبانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کی اور زندگی سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہوئی ہے، ہماری خود کی زندگی، ہمارے اس جسم پر ہم نگاہ ڈالیں نا، اللہ نے ہماری حفاظت کا، نگہبانی کا کیا کیا انتظام کیا ہوا ہے۔ آنکھ کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ جو ہے نا، یہ دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کس طرح کیا ہوا ہے۔ آنکھ کو ہڈی کے اندر بنایا ہے، یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے اوپر پلکیں لگائی ہے، اور پلکوں میں بھی یہ جھپکنے کی جو صلاحیت ہے، آٹومیٹک کہ کوئی چیز، کوئی تنکا، کوئی اور چیز ہم آنکھوں کی طرف بڑھتی ہے، ہمیں باقاعدہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، بل ارادہ خود بخود آنکھیں جو ہے نا بند ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا حفاظت کا نظام بنایا ہے۔ اسی طرح ایک چیز پہ آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ دماغ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کھوپڑی بنائی ہے، یعنی اندر جو گودا ہے، مغز ہے، دماغ جسے کہتے ہیں، سب سے زیادہ انسان کے کام آنے والی یہ چیز ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کیسے اللہ نے کیا ہے۔ اندر گودا ہے، اس پر مضبوط ہڈیوں کا پورا خول بنایا ہے، اور اس کا پورا نظام، اس کا جو سسٹم ہے، ایک ایک چیز پہ غور کرتے جائیے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، سائنس کی ترقی نے ان ساری چیزوں کو جو کھول کے بیان کیا ہے نا، ویڈیو میں آج کل سب موجود ہے، کہ آنکھوں کا یہ نظام کس طرح ہے، دماغ کا نظام کس طرح ہے، آدمی ان سب پر غور کر کے کہتا ہے سبحان اللہ الخالق، کیا بہترین اللہ پیدا کرنے والا ہو، کیا نظام بنانے والا۔ المہیمن ہے، آنکھوں کی حفاظت کا نظام دیکھیے، پھر کانوں کا دیکھیے، کانوں کے اندر یہ جو پورا یہ گھماؤدار جو نظام ہے، یہ ایسی بیکار نہیں ہے، بے مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ کان سیدھے ہوتے، تیز ہوا چلتی تو کان کے پردوں کو پھاٹ دیتی، اندر داخل ہوتی، گھماؤدار بنایا ہے۔ پھر جو سننے کا اندر سسٹم ہے، ہم جو یہ سنتے ہیں آوازوں کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر نہ جانے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم لگا رکھے ہیں کانوں کے اندر۔ ناک کا جو سسٹم ہے، اس پر آپ غور کریں،
इसी तरह कान के अंदर कहते हैं कि तल्ख, ये जो मादा होता है ना, अंदर पानी होता, बहुत तल्ख होता है, कड़वा होता है वो। अल्लाह ताला ने वो बना अपनी हिकमत से वो सब चीज़ें पैदा की है। सोते हुए अंदर कीड़ा आसानी से नहीं जा सकता है, उसकी तलखी को, बू को महसूस करके वो बाहर आ जाता है। अब अल्लाह की सलामती के इंतजाम हटते हैं तो कभी अल्लाह दिखा देता है, वरना अल्लाह ताला ने पैदा किया। एक एक चीज़ पर देखें तो अल्लाह की निगहबानी की तरफ इशारा करती है, वो अल मुहैमिन है, निगहबानी करने वाला है। फिर ये तो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, ये तो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, रूहानी और पोशीदा और खुफिया जो अल्लाह के इंतजाम हैं, फरिश्ते इंसानों के साथ लगे हुए हैं। रिवायत में आया है, बाद मरतबा हम नहीं देखते गाड़ी चला के जा रहे हैं और अब ऐसा कोई मामला पेश आ जाता, कहते भाई आज तो मरते मरते बच गया। ये कहते हैं वो बचे नहीं, हम अल्लाह की तरफ से बचाए गए हैं, वो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुतय्यन हैं जो आपको हादसात से बचा रहे हैं, और जिस दिन अल्लाह की तरफ से बचाने का वो इंतज़ाम हटा लिया जाएगा उस दिन आपका हादसा हो जाएगा। अल मुहैमिन है वो, अल अज़ीज़, वो अज़ीज़ है, गालिब रहने वाला है, गालिब रहने वाला है। उसके सामने सब कमज़ोर हैं, सब बेबस हैं, सब आजिज़ हैं। अलजब्बार, वो जब्बार है, जब्बार के माना कुदरत रखने वाला और सबको बेबस कर देने वाला। एक जब्बार के माना आते जोड़ने वाला, वो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला है, वो जिंदगियों को संवारने वाला, बनाने वाला, जोड़ने वाला है। और एक जब्बार के माना आते हैं कुदरत रखने वाला, सबको बेबस कर देने वाला। उसके सामने सब आजिज़ व बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इंसान बेबस है, इंसान को देखिए, इंसान नौजवान है, कौन चाहता है कि वो अधेड़ उम्र में चला जाए, बुढ़ापे में चला जाए, कोई नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरन सबको जाना पड़ता है। कमज़ोर आदमी है उसको भी जाना पड़ता है, मालदार से मालदार आदमी है, बादशाह है, रियाया है, कोई भी है, आदमी कोई बुढ़ापे में नहीं जाना चाहता है, लेकिन उस जब्बार के सामने सब आजीज है, बेबस हैं। वो बचपन देखता है, फिर लड़कपन देखता है, लड़कपन को जवानी में बदलते हुए देखता है, जवानी को अधेड़ उम्र में, अधेड़ उम्र को बुढ़ापे में, और एक एक मरहले से कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, लेकिन वापस नहीं लौट सकता है, सब बेबस हैं उसके सामने। अलमुतकब्बिर, वो मुतकब्बिर है, वो अजमत वाला है, वो किबरियाई वाला है, वो बड़ाई वाला है। और अजमत, किबरियाई, तकब्बुर उसी को जेब देती है, उसी के शाया निशान है। बाकी किसी को तकब्बुर करना, बड़ाई का इजहार करना, अपने आप को बड़ा समझना, ताकतवर समझना, ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि उसकी हुकूमत हकीकी है। बाकी सब की हुकूमतें, ताकतें, अजमतें सब आजिज़ी हैं, आजिज़ हैं, बेबस हैं, फ़ानी हैं, आर्जी हैं, ख़त्म होने वाली हैं। वो है अलमुतकब्बिर, असल अजमत वाला, असल किबरियाई वाला, असल ताकत वाला। और जो कोई उसके सामने बड़ा बनने की कोशिश करता है, तकब्बुर करने की कोशिश करता है, वो उसका तकब्बुर का सर जो है ना, वो फोड़ देता है, उसके तकब्बुर को गुरूर में मिला के रख देता है। असल मुतकब्बिर वही है जो ये कह सकता है, मैं हूँ मुतकब्बिर, मैं हूँ बड़ा, मैं हूँ ताकत वाला, मैं हूँ पावरफुल, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। अगर कहता है तो अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि उसको सबके सामने आजीज़ और बेबस जाहिर कर देता है। अब आप देखिए, आप देखिए, आप हमारे सामने जिंदा मिसाल है, कहते 400 पार, 400 पार का नारा तकब्बुर की तरफ अलामत था, की तरफ मुशीर था, इशारा कर रहा था। कहते हम तो अब इतने हो जाएंगे कि कोई हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता, कोई हमें बेबस नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने ये शान दिखाई कि जिस जगह को, जिस इलाके को वो ये समझ रहे थे इसकी वजह से हम इतनी सीटें ले आएंगे, उसी जगह उनको रुसवा कर दिया है, उसी जगह उनको रुसवा कर दिया। दुनिया वाले कह रहे हैं कि भाई जिस जगह को तुम दुनिया के सामने पेश कर रहे थे कि हमने यहाँ ये काम कर दिया, मंदिर बना दिया, अब तो हम 400 पार हो जाएंगे, अल्लाह ने कहा हम तुम्हें वहीं हरा के दिखाएंगे, शिकस्त क्या सामना करवा के दिखाएंगे। मुतकब्बिर है वो, बस किबरियाई, बड़ाई बस उसी को जचती है, उसी के शाया निशान है। बाकी जो ज़बान पे लाएगा, अपने किरदार से जाहिर करेगा, अल्लाह हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि दुनिया वालों के सामने ये हकीकत खुल के आ जाएगी, वाकई शान उसी की है। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह उन तमाम चीज़ों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, वल्लाह खालिक,
उसने सारी कायनात को पैदा किया है। कितनी मखलूकात हैं, अरबों खरबों मखलूकात अल्लाह ने पैदा की हैं। अलबारी, बारी के माना भी ये पैदा करने वाला होता है, लेकिन अनोखे अंदाज से तरतीब से पैदा करने वाला। अब इस पर आप गौर करें, पैदा तो मखलूकात की हैं लेकिन इस अंदाज से की है, हर इलाके के एतबार से आपको मखलूक अलग अलग नज़र आएगी। जो खित्ता जहाँ का है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ की आबो हवा है, उस एतबार से मखलूक को पैदा किया है। यहाँ के आप भेड़ बकरी देखेंगे आपको अलग नज़र आएगी, गर्मी के इलाकों में, ठंडे इलाकों में जाएं आपको वहाँ के जानवर अलग नज़र आएंगे, वहाँ के परिंदे अलग नज़र आएंगे, वहाँ के पहाड़ अलग तरह के नज़र आएंगे। अलबारी है वो बेहतरीन तरीके से पैदा करने वाला है। अलमुसव्विरो वो तस्वीर बनाने वाला है, और तस्वीर इस तरह की बनाई है इंसानों की कि आदम से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे उनकी सूरत मिलती नहीं है, शक्ल नहीं मिलती है, बल्कि उंगलियों के अंदर ये जो निशान हैं अंगूठे के, ये भी मिलते हुए नहीं है। वो इस तरह तस्वीरें पैदा करता है, और इंसानों की तस्वीरें, जानदारों की तस्वीरें, तस्वीरें बनाने वाले लकड़ी पे तस्वीर बनाते हैं, और बनाते हैं किसी पत्थर पे तस्वीरें बनाते हैं, किसी और चीज़ पे, मादे पे बनाते हैं, मटेरियल पे बनाते हैं। अल्लाह ऐसी तस्वीर बनाने वाला जो पानी पे बना रहा है, ये इंसान, ये जानवर किस चीज़ से पैदा किए जा रहे हैं, मनी के नुतफे से, और वो पानी है, उस पानी पर अल्लाह ताला इतनी बेहतरीन शक्लें पैदा कर रहा है। वो अल मुसव्विर है, लहुल असमाउल हुस्ना, उसके लिए प्यारे प्यारे बेहतरीन बेहतरीन नाम है। ये मैंने मुख्तसरन बयान किया, क्योंकि दर्स में इसी तरह बयान किया जा सकता है, वरना उलमा ने अल्लाह के जो अस्मा हैं, सिफाती नाम हैं, उन पर इतनी तफसील के से खरका, हज़ार हज़ार सफहात की किताबें हैं अस्माए हुस्ना पर। फिर उन्होंने एक एक नाम पर, जैसे अर्रहमान है, वो रहमान किस तरह है, वो अल मलिक किस तरह है, उस पर फिर वाक़यात बयान किए हैं कि इस तरह है, ईमान ताज़ा हो जाता है। युसब्बिहु लहु मा फिस्समावाति वल अर्द, आसमान व ज़मीन की सारी चीज़ें बस उसी की तस्बीह कर रही है, उसी की इबादत कर रही है, अपनी अपनी ज़बान में, अपने अपने अंदाज से, जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। वहू अल अज़ीज़, और वो गालिब रहने वाला है, अल हकीम, हिकमत वाला भी है। जो चीज़ भी उसने बनाई है, पैदा की है, उसमें हिकमत है, उसमें मसलहत है। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे हालात जो हमको पेश आते हैं और हम समझते हैं ये ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, उसमें भी हमारा फ़ायदा है, हमारी मसलहत है, अल्लाह बेहतर जानता है। वो अल हकीम है, उसका कोई फेल, उसका कोई हुक्म, उसका कोई फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह।